आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है निष्पंदन होता है। निष्पंदन यानी जो छन्नी की प्रक्रिया होती है, ठीक है, किसमें, किडनी में, वो प्रक्रिया किसमें होती है, ठीक है। तो निष्पंदन की क्रिया किसमें होती है, चलिए सबसे पहले अपन एक चित्र देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो निष्पंदन होता है मतलब फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, छन्नी की क्रिया होती है, वो किसमें होती है, इस वाले पार्ट में, इस वाले हिस्से में छन्नी की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, एक आता है क्या है, ये ग्लोमेरुलस, ठीक है, इसे हम लिख देते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और दूसरा ये हमारा ये वाला हिस्सा है बोमेन के संपुट, बोमेन संपुट, ठीक है, ये दो चीजें हैं। और इसी में छन्नी की प्रक्रिया यानी निष्पंदन की क्रिया होती है। तो निष्पंदन किसमें हो रहा है, ठीक है, तो इस वाले हिस्से में। और इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस और ओमेन संपुट आता है, इसे हम बोलते हैं मालवेही संपुट, ठीक है, मालवेही संपुट, क्या बोलते हैं इसे, हम इसे हम लिख देते हैं, इसे लिखेंगे हम मालवेही संपुट, ठीक है। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मालवेहियन कार्पसल, और क्या बोलते हैं इसे, और इसे बोलते हैं मालवेहियन कार्पसल, मालवेहियन कार्पसल भी बोलते हैं और मालवेही संपुट भी बोलते हैं। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प ए है मालवेही संपुट, तो विकल्प ए हमारा सही है। विकल्प बी है बोमेन संपुट, तो बोमेन संपुट इसी का हिस्सा होता है, ठीक है, और कौन सा हिस्सा होता है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये दोनों को मिलाकर मालवेही संपुट बनता है, ठीक है, और इसी में निष्पंदन होता है, ठीक है। संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, ठीक है, जिसमें हमारा मूत्र जाता है एकत्रित होकर। तो हमारा उत्तर कौन सा सही है, उत्तर है हमारा ए, कल्पे मालवेही संपुट। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।